जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे इस संकीर्तन चैनल पर। आज मैं आपको मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी के बारे में संक्षिप्त कुछ वर्णन करूंगा। जैसा कि इस नाम से ही आप जानते हैं, उत्पन्ना एकादशी यानी एकादशी की उत्पत्ति इसी दिन हुई है। प्राचीन काल में मुरु नामक राक्षस ने युद्ध के बाद देवताओं पर विजय हासिल की और देवता स्वर्ग से पलायन कर गए। काफ़ी समय तक पलायन करने के बाद और विभिन्न प्रकार के दुख झेलने के बाद वे देवाधिदेव महादेव के पास गए और महादेव ने उन्हें श्री हरिनारायण के शरण में जाने की सलाह दी। वे श्रीहरि से बहुत अन्वय विनय प्रार्थना उन्होंने शुरू की और कृपालु नारायण प्रकट हुई। देवताओं ने अपना वृत्तांत सुनाया और वह वृत्तांत सुनने के बाद नारायण को बहुत क्रोध आया और उन्होंने चंद्रावती में जाकर, स्वर्गलोक में जाकर मुरु पर आक्रमण किया और चक्र से दैत्यों, बहुत सारे दैत्यों का नाश किया। इसके बाद बद्रिकाश्रम में सिंहावती नामक गुफा में भगवान प्रवेश कर गए और वहीं वे विश्राम की मुद्रा में लेटे हुए थे। मुरु वहाँ भी पहुँच गया और भगवान को विश्राम करते देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसी समय भगवान के तेज से एकादशी नामक देवी प्रकट हुई जो परम सुंदरी और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी। उनकी हुंकार से ही मुरु भस्म हो गया और उसी समय भगवान नारायण ने आंखें खोली और मुरु को भस्म हुआ देख और एकादशी को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और एकादशी को भगवान ने यह वरदान दिया कि तुम्हारे स्थिति से व्रत जो शुरू करेगा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में दोनों दो दो दिन एकादशी आती हैं, उन्हीं के नाम से यह तिथि एकादशी पड़ी। और यह एकादशी तिथि महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो रूप में मनाई जाती है और दोनों तिथियां गृहस्थों के लिए, सबके लिए मान्य तिथि हैं। इस दिन निराहार या जल या फलाहार किसी भी विधि से जो व्रत करता है उसे नारायण की कृपा और मनचाहा अभीष्ट फल प्राप्त होता है। अब उत्पन्ना एकादशी की विधि यह है कि एकादशी के एक दिन पहले ही, जिसे इस बार रविवार को एकादशी तिथि है, तो शनिवार रात से ही गृहस्थों को भोजन छोड़ देना चाहिए, फलाहार पर रहना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान ध्यान करके भगवान श्री नारायण की पूजा, प्रार्थना, संकीर्तन जो भी हो सके वह करें और रात्रि में भगवान की कीर्तन करते हुए जागरण करें और यथासंभव दान भी करना चाहिए। एकादशी में उपवास और दान का बहुत बड़ा महत्व है और एकादशी का पारण द्वादशी के दिन होता है। द्वादशी के दिन एकादशी का पारण करने के पश्चात, पारण करने के पूर्व ब्राह्मणों के दान का संकल्प भी करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन खिलाकर तब भोजन करें, किंतु यह एक गृहस्थ के लिए हमेशा संभव नहीं है, इसलिए कच्चा अन्न जो है, जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकता है उसका संकल्प करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए।
यह भी ध्यान रहे कि संकल्प की हुई ऐसी चीज ज्यादा समय तक न रखकर यथाशीघ्र ब्राह्मण को देनी चाहिए और यथासंभव दान, भगवान नाम जप, संकीर्तन ये जरूर करना चाहिए। और यदि आप एकादशी तिथि को जो भी आपका अभिष्ट हो उसके संकल्प के साथ आप एकादशी का व्रत प्रारंभ करते हैं तो भगवान की कृपा से अभिष्ट फल भी नारायण तुरंत देते हैं। यह एकादशी तिथि व्रतराज है, सभी व्रतों में सरोवर तिथि है और हमारा आप सबसे आग्रह है जो भी संभव हो एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और भगवान श्री हरि की कृपा जरूर मिलेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।